उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर तले आजमगढ़ उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार आज दिनांक 12/12/22 दिन सोमवार स्थान मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ कार्यालय के समक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो के समक्ष जनपद के स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों ने एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष के 5 सूत्री मांग तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला के 7 सूत्री मांगों पर विचार हेतु उपवास किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर मुख्य मांग स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष का वेतन विसंगति, एक पद का 2 वेतन मान के अंतर्गत दिनांक 30/11/11 के पूर्व के समस्त कर्मचारियों को ग्रेड पे 2800 दिया जा रहा है तथा 1 दिसंबर 2011 के बाद के कर्मचारियों को ग्रेड पे 2000 दिया जा रहा है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला पुरुष के पद पर कार्यरत कर्मचारी जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष महिला पदोन्नति का पद है को भी ग्रेड पे 2800 दिया जा रहा है, जिसके कारण 2 पद का 1 वेतनमान की स्थिति बनी हुई है। इस तरह से 1 पद का 2 वेतनमान और 2 पद का 1 वेतनमान की व्यवस्था को समाप्त कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतनमान तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का वेतनमान दे दिया जाए तो यह विसंगति दूर हो जाएगी। दिनांक 15 जनवरी 2023 तक मांगों पर विचार न किए जाने के उपरांत निर्णय की प्रतीक्षा की जाएगी। उचित निर्णय मांगों का निराकरण होने की दशा में समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा विभाग के माननीय मुख्यमंत्री और 2 पद व्यक्त किया था। 16/23 को प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पद और काम मंत्री है। ये बहुत बड़ी रकम न्याय है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है और समय समय पे महिलाओं का प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन प्रमोशन इकाइयों से बात की गई, जिसमें अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 2 पद का अलग अलग वेतन मान जिसका हम विरोध कर रहे हैं और इसके बारे में उपवास रखा गया है और हम सरकार से मांग कर रहे हैं हमें न्याय दिया जाए। उसके लिए हम मांग किया क्योंकि हमारा प्रमोशन भी किया जाए, हम लोग भी प्रमोशन के अधिकार है, इसी के लिए हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो ये सांकेतिक भूख हड़ताल जो आप लोगों की एक दिवसीय है उपवास, तो क्या आश्वासन मिला इससे पूर्व में भी जो पत्रक सौंपा है उसके लिए आप लोगों को? पत्रक यहाँ से भेज दिया गया है, यहाँ से भेज दिया गया है। अब आगे हम लोग तो आस लगा के बैठे हैं, आस पे ही निर्भर है, अब आगे उनकी वो है।